बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल हैं। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत के साथ होंगे। वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि काफ़ी मोबाइल्स हैं जिनमें पाक रेलवे की ऐप इंस्टॉल नहीं हो रही, प्ले स्टोर में एरर आ जाता है। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, उसका सोल्यूशन आपको बताएँगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन लगा होगा उस पर ज़रूर क्लिक कर दें ताकि ऐसी आने वाली मज़ीद वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। तो आपको बताता चलूं कि पाक रेलवे ऐप जो है वो पहले सारे ही मोबाइलों में इंस्टॉल हो जाती थी, कोई भी मोबाइल होता था एंड्रॉयड। तो अब जो है एंड्रॉयड जिनके मोबाइल अपडेट हो गए हैं एंड्रॉयड 12 पे, वो जो है उसमें इंस्टॉल नहीं हो रही, प्ले स्टोर में एरर आ जाता है। तो मेरे साथ भी ये इशू आ रहा है, काफ़ी टाइम से मैं देख रहा हूँ ये इशू जो है रिसॉल्व नहीं हो रहा पाक रेलवे से प्ले स्टोर से हमारे एंड्रॉयड मोबाइल्स में। तो उसका सलूशन ये है कि आप अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में पाक रेलवे की वेबसाइट जो है वो ओपन करें। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा, उससे जाके आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। तो उससे टिकट्स कैसे बुक होती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अकाउंट जो आपका पाक रेलवे की ऐप पर बना हुआ था वही यूज़ हो सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलते हैं क्रोम ब्राउज़र में, वहाँ मैं आपको टिकट बुक करने का तरीका बताता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आपने यहाँ सर्च कर लेना है गूगल पे पाक रेलवे। ऑनलाइन टिकट यहाँ आपने इसको ओके कर लेना है। यहाँ से ई टिकट जो पहली वेबसाइट आ रही है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए आपने जो है साइन इन वाले बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने नीचे चले जाना है। जैसे ही आप नीचे जाएँगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपने यहाँ पर आके अपनी डिटेल दे देनी है, वही जो आप पाक रेलवे की ऐप पे अपना नंबर यूज़ कर रहे थे सेम वही नंबर आप इससे यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैं कैप्चर देता हूँ, कैप्चर देने के बाद मैंने सबमिट किया तो ये जो है ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने क्या करना है, गूगल क्रोम के अगर आप मोबाइल पे हैं तो आपने ये तीन डॉट जो बने हुए हैं इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपने ये जो ऑप्शन आ रहा है डेस्कटॉप मोड, ठीक है, तो ये आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप लैपटॉप पे हैं तो ये करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा अकाउंट जो है वो लॉग आउट हो गया, इसको मैं दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ मैं इसका कैप्चर दोबारा देता हूँ, थोड़ा काम आ गया था जिस वजह से मुझे वीडियो रोकनी पड़ी थी। यहाँ आप देख सकते हैं जब आपके पास इस तरह का स्टिकर आया आपने यहाँ पे कांटे पे क्लिक करके इसको ख़त्म कर देना है। तो ये ख़त्म हो गया, उसके लिए अब हमें टिकट बुक करवानी है। टिकट बुक करवाने के लिए यहाँ जो है हमने गो टू पार्टी ई टिकट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद प्लान योर जर्नी, यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर लेना है कि राउंड ट्रिप या सिंगल। तो अगर आप सिंगल करना चाहते हैं तो सिंगल पर क्लिक करें, उसके बाद स्टेशन सेलेक्ट करें जहाँ से आप जाना चाहते हैं। तो मैं खानपुर से कराची के लिए बुक करूंगा। अच्छा, कराची के लिए जब भी आपने टिकट बुक करनी हो तो कराची सिटी आता है, आपने कराची सिटी नहीं सिलेक्ट करना, कराची कैंट सिलेक्ट करना है। कराची कैंट सिलेक्ट करने से ये होता है कि यहाँ कराची कैंट पे काफ़ी ट्रेन जो हैं वो जाती हैं, तो वो आपको सारी ट्रेन की डिटेल मिल जाती है। अगर आप कराची सिटी सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ कुछ ट्रेनें जाती हैं वो आपके पास शो होंगी। तो यहाँ सी प्लान पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो मुझे दिखा रहे हैं हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तकरीबन 10-11 ट्रेनें जो है वो खानपुर से कराची के लिए जाती हैं। तो यहाँ जो है रिवर्स सीट पर क्लिक करेंगे हम, यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके पास कुछ और इंटरफेस आएगा। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सीट अवेलेबिलिटी जानने के लिए आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने नीचे आना है, यहाँ आप देख सकते हैं सीट अवेलेबिलिटी। उसके बाद मैं यहाँ से आज 30 तारीख है, मैं 31 कर लेता हूँ, 31 के बाद खानपुर टू कराची ऑलरेडी सेलेक्ट है। मैं यहाँ सर्च सीट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कल की डेट में इलामा इकबाल एक्सप्रेस में ही सीटें पड़ी हुई हैं। अगर किसी और ट्रेन में भी पड़ी होती तो यहाँ आ जाती, फ़िलहाल यहाँ एक ही ट्रेन में सीटें अवेलेबल हैं।
तो यहाँ पे अगर आप किराया देखना चाहते हैं तो ये पैसों के ऊपर क्लिक करें। ये बता रहा है कि 1000 रुपये फेयर है, बर्थ का 1100 रुपये। अगर सीटें देखनी हैं तो ये सवालिया निशान पे क्लिक करें। यहाँ आप देख सकते हैं लामा इकबाल में 157 जो हैं वो सीटें अवेलेबल हैं। यहाँ सेलेक्ट पे हम क्लिक करते हैं। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आ जाएगा, ठीक है, ग्रीन कलर की। आपको पता है कि ग्रीन कलर की अवेलेबल होती है, रेड जो है वो बुक होती है। तो यहाँ हम मैं 5 नंबर डब्बा देखता हूँ, यहाँ बर्थ है कि नहीं है। तो बर्थ तकरीबन सारे ही बुक है। मैं दूसरा कोई डब्बा देख लेता हूँ, 13 नंबर खोल लेते हैं। 13 नंबर खोलने के बाद यहाँ भी कोई बर्थ खाली नहीं है, तकरीबन कोई सीट ही है। आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बताने के लिए मैं यहाँ एक सीट बुक कर लेता हूँ। सीट पे क्लिक करता हूँ। सीट पे बुक करने के बाद यहाँ जो है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ये जो ग्रीन कलर का बुक सिलेक्टेड सीट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपने बताना है कि आप बच्चे हैं, ओल्ड सिटीजन, डिसेबल पर्सन। तो यहाँ जो है अडल्ट ही सही है, ठीक है। उसके बाद नेम आपने लिखना है, नेम आपने बिल्कुल सही लिखना है, आईडी कार्ड नंबर भी आपने सही लिखना है। तो फेयर 1750 रुपये आया है। आप सोच रहे होंगे कि वहाँ तो 1000 आ रहा था और 1100 आ रहा था, यहाँ 1750 आ रहा है। तो आपको बताता चलूँ, 1750 इसलिए आ रहा है कि ये टिकट जो है जहाँ से सीट खाली होती है वहीं से बुक हो जाती है। तो यहाँ जो है आपने नंबर लिखना है। उसके बाद वोचर अगर आपके पास कोई है तो आप वोचर सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ आप जैस कैश सीधी पैसा के थ्रू पेमेंट करेंगे, जैसे आप पेमेंट करते हैं, जैसे आप मोबाइल ऐप्स करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।